अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और अगर आपके आधार कार्ड में आपके फादर का नेम गलत है, आप उसे सही करवाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आधार कार्ड पर अपने फादर का नेम चेंज या नेम करेक्शन आप कैसे करवा सकते हैं। आधार कार्ड में नेम चेंज करवाने के लिए फादर का अगर आपके आधार कार्ड में फादर नेम सही करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास सेंट्रल लेवल का नोटिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का नोटिफिकेशन है, तो उसकी मदद से आप अपने आधार कार्ड में अपने पिताजी का नेम चेंज या नेम करेक्शन बहुत इजीली करवा सकते हैं। नेम की रिगार्डिंग फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइक सर नेम नहीं है, सर नेम ऐड करवाना हो, सर नेम रिमूव करवाना हो, मिडल नेम ऐड करवाना हो, मिडल नेम रिमूव करवाना हो, या फर्स्ट नेम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, या फिर आप फुल नेम ही चेंज करवाना चाहते हैं अपने आधार कार्ड पर पिताजी का, तो आप बहुत इजीली सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन की मदद से बिना किसी प्रॉब्लम के चेंजेस उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं गजट नोटिफिकेशन क्या होता है। गजट नोटिफिकेशन एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, और ये सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट होता है जो हर एक डिपार्टमेंट के लिए वैलिड होता है, हर एक डॉक्यूमेंट के साथ ही वैलिड होता है। तो इसको अगर ये सर्टिफिकेट अगर आप बनवा लेते हैं, तो आप बहुत इजीली अपने आधार कार्ड में अपने पिताजी का नेम चेंज या नेम करेक्शन आप करवा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गजट नोटिफिकेशन किस तरीके से वर्क करता है, इसके कितने स्टेप्स होते हैं, क्या क्या हमें इसको स्टेप को हम कैसे फॉलो करना चाहिए, इसका क्या प्रोसीजर होता है। गजट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए हमें सबसे पहले एक एफिडेविट बनवाना होता है, जिसमें मेंशन होती है आपकी डिटेल्स, आपका सही नाम, आपका गलत नंबर, आपका एड्रेस, दूसरा दो न्यूज़पेपर में एड पब्लिकेशन, वन लोकल एंड वन नेशनल, आपके स्टेट पे जहाँ का एड्रेस होगा उसी स्टेट के दो पेपर में एड पब्लिकेशन करवाया जाता है, वन लोकल वन नेशनल, उसमें सेम डिटेल मेंशन होती है, जो डिटेल्स एफिडेविट में वही आपने न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करवानी होती है। तीसरा डिजिटल सिटी आपने रेडी करवानी होती है, जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लेते हैं, आपने गवर्नमेंट ऑफिस जाकर अपनी फाइल को जमा करवाना है। गवर्नमेंट ऑफिस की साइड से कुछ समय बाद जैसे गजट नोटिफिकेशन आपको मिलता है, उस गजट नोटिफिकेशन की मदद से नियर बाय आधार सेंटर जाकर आप अपने आधार कार्ड पर अपने पिताजी का नेम चेंज या नेम करेक्शन बहुत इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन की मदद से चेंजेस या करेक्शन आप करवा सकते हैं। इससे अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।